एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्वेश्चन नंबर 5। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफेरेड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6। ओके, तो अभी इनिशियली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया ए है, डिस्टेंस डी है और इसके बीच में एयर है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना 8 पिकोफेरेड। अब इन्होंने क्या किया कि इसके बीच में एरिया इन्होंने सेम ही रखा, ठीक है, प्लेट का एरिया इन्होंने सेम रखा, राइट, बट इन्होंने क्या किया कि डिस्टेंस क्या कर दिया, डी बाई टू कर दिया। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी बाई टू है और यहाँ पे एयर की जगह इन्होंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया, कितना के की वैल्यू लिख देता है, के इज इक्वल टू 6 डाल दिया, ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, मान लो सीडेस होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले C की वैल्यू है वो उसका देखते हैं कि C का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, किसके लिए, एयर के लिए, एयर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम में आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, यानी सीडेस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन M अपॉन D। एप्सिलॉन M क्या है, डी डेस है, तो एप्सिलॉन M क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डेज, राइट, ओके। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये सी की वैल्यू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू क्या, 8 पिकोफेरेड है, राइट, ये इक्वेशन अपना 1 है। इसको सी डेज को लिखते हैं, ये क्या आएगा, के की वैल्यू 6 है, ए एप्सिलॉन नॉट और डी डेज की वैल्यू क्या है, डी बाई टू है, ठीक है, यानी सी डेज आपका आ जाएगा 12 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, राइट। अब इक्वेशन 1 से देखो, ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8 पिकोफेरेड, तो सी डेज की वैल्यू क्या आएगी, सी डेज की वैल्यू आएगी 12 × 8 पिकोफेरेड, यानी कि आ जाएगा 96 पिकोफेरेड। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होगा और डिस्टेंस हाफ हो जाएगी तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, 96 पिकोफेरेड हो जाएगा।